नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको घर पर कम पैसे में स्टैंड बनाना बताएंगे। तो दोस्तों, यदि आप हमारे बताए गए तरीके के अनुसार इस तरीके का स्टैंड बनाते हैं तो कम से कम 50 रुपए में ये स्टैंड बनकर तैयार हो जाएगा। यदि आप महंगा वाला स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, आपके पास पैसा नहीं है, तो इस तरीके से 50 रुपए में घर पर आसानी से कुछ मिनटों में स्टैंड बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं, ये हमने स्टैंड बनाने के लिए पूरा सामान इकट्ठा कर लिया है। तो दोस्तों, स्टैंड बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक डिब्बे की ज़रूरत होगी। डिब्बा हमें घर पर आसानी से मिल जाएगा, तो ये हमने एक डिब्बा ले लिया है। और डिब्बे में जितना मिट्टी आ जाए उतना हमें सूखी मिट्टी लेना है। आप जिस डिब्बे का उपयोग कर रहे हैं उस डिब्बे से माप कर सूखी मिट्टी ले लेनी है। और ये हमें समरसेबल वाली एक पाइप लेनी है। पाइप की लंबाई की बात करें तो ये डिब्बे से थोड़ी बड़ी लेनी है। जिस डिब्बे का उपयोग स्टैंड बनाने के लिए कर रहे हैं उस डिब्बे से पाइप थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, इस तरीके की पाइप होनी चाहिए। आप देख सकते हैं, ये पानी वाली पाइप है जो समरसेबल में लगाया जाता है, तो इसी पाइप को हमें काट लेना है। सबसे मेन पॉइंट की बात करें तो ये हमें सेल्फी स्टैंड लेना है। ये मार्केट से उपलब्ध हो जाएगा, ये मार्केट में हमें 50-60 रुपए में मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप एक स्टैंड मार्केट से लाएं और बाकी सारे सामान आपको घर पर मिल जाएंगे। और इस पाइप की मोटाई इतनी होनी चाहिए जिसमें सेल्फी स्टैंड आसानी से आ जाए। आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से होना चाहिए। तो अब चलिए हम स्टैंड बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले डिब्बे के ढक्कन को हम निकाल लेंगे और ढक्कन में कुछ इस तरीके से पाइप के अनुसार हम होल कर लेंगे। चाकू की मदद से इसे काट कर होल कर लेंगे इस तरीके से, पाइप के मोटाई के अनुसार। सेल्फी स्टैंड बनाने के लिए इस पाइप को डिब्बे के ढक्कन के होल में इस तरीके से लगा देना है और उसके बाद इसे हमें डिब्बे में लगा देना है इस तरीके से। पाइप को ढक्कन में और डिब्बे में इस तरीके से लगाने के बाद ढक्कन को थोड़ा इधर कर देंगे और इसी में मिट्टी भर लेंगे। इस तरीके से हम पूरी मिट्टी भर लेंगे। मिट्टी भरते समय इस बात का ध्यान रखें कि पाइप बीचों बीच एकदम सीधा होना चाहिए इस तरीके का। मिट्टी भरते समय इस बात का ध्यान रखें कि पाइप डिब्बे के बीचों बीच होना चाहिए इस तरीके से। तो चलिए हम पूरी मिट्टी इस तरीके से भर लेते हैं। आप देख सकते हैं, हमने डिब्बे में पूरी मिट्टी को भर दिया है और ये पाइप डिब्बे के बीचों बीच में है। अब हम ढक्कन को बंद कर देंगे। ढक्कन को बंद करने के बाद आप देख सकते हैं, पाइप इतना बाहर निकलना चाहिए, यानी कि डिब्बे से पाइप इतना बड़ा होना चाहिए। अब इस तरीके से बनाने के बाद हम सेल्फी स्टैंड को कुछ इस तरीके से पाइप में लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं, ये हमारा स्टैंड बनकर तैयार हो गया। स्टैंड में इस तरीके से हम मोबाइल को लगा देंगे और उसके बाद आप वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर सकते हैं। इस तरीके से अपनी हाइट के अनुसार स्टैंड को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, हमारा स्टैंड घर पर आसानी से बनकर तैयार हो गया है। तो दोस्तों, स्टैंड बनाने का तरीका आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
यदि आप इस तरीके का स्टैंड बनाते हैं तो इस स्टैंड की फोटो हमारे इंस्टाग्राम पर जरूर भेजें। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।